हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ए टू जी कंटेंट में। बीच में शादी अटेंड करने के लिए मैं नासिक गई हुई थी और वहाँ पास में ही फ्लावर गार्डन था, मतलब नासिक का फ्लावर गार्डन है ये, और बहुत ही सुंदर था। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब शादी के लिए आए ही हैं तो यहाँ पर भी घूमने के लिए हम चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नासिक फ्लावर पार्क जो है फ्लावर से भरा हुआ है। बहुत प्यारे प्यारे और अलग तरीके के मल्टी कलर के फ्लावर्स यहाँ पे थे। बहुत ज़्यादा सुंदर था ये पार्क। अगर आप कभी भी नासिक जाते हैं, कोई ऐसी जगह पर घूमना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वन डे के लिए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर था, आप देख सकते हैं इसे। ऐसा बोलते हैं कि इस नासिक फ्लावर पार्क को जब विंटर सीज़न आता है, ठंडी का मौसम रहता है, तो इसे फ्लावर पार्क बना दिया जाता है पूरे फ्लावर से सजा करके। और जब समर सीज़न स्टार्ट होता है, मतलब गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, तो इसे शुभम वाटर पार्क नाम से रेडी कर दिया जाता है। मतलब ये 2-in-1 है, फ्लावर पार्क भी है और वाटर पार्क भी है। तो आगे वीडियो में आप देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर स्लाइड वगैरह भी थे। तो अब ऐसा किया जाता है या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, इसी चीज़ से पॉपुलर है ये कि इसे शुभम वाटर पार्क भी कहा जाता है और फ्लावर पार्क नाम से भी ये जाना जाता है। तो आप देखिएगा आगे, बहुत ही प्यारे प्यारे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स और कलरफुल फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अलग से ही अपनी ब्लॉगिंग कर रहे थे और मैं अपनी वीडियो अलग ही बना रही थी, तो हम तीनों अलग ही डायरेक्शन में घूम रहे थे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह भी थी। तो मतलब हो सकता है सच में इसे समर सीज़न में वाटर पार्क बनाया जाता होगा, तो इतने सारे फ्लावर्स को कहाँ रखते होंगे पता नहीं, और किस तरीके से मैनेज करते होंगे ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ये प्लेस बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अगर आपको इस तरीके की गार्डनिंग वाली चीज़ें, फ्लावर वाली चीज़ें पसंद है, तो आपको ये प्लेस सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एकदम से दिल खुश हो गया, क्योंकि इतने कलरफुल फ्लावर्स देखने के बाद तो वैसे ही मन खुश हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने अलग टाइप के थे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये वाले फ्लावर भी थे जो कि बिल्कुल ही अलग थे और कभी नहीं देखा था मैंने इस तरीके के फ्लावर्स। कॉलीफ्लावर जैसा, ये तो लेटेस्ट जैसा।
खड़े रहना हम फोटो ले। हाँ, स्लाइड। चलो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा भी गया है नासिक वाटर पार्क एंड शुभम वाटर पार्क, दोनों ही लिखा गया है। मतलब सच में यहाँ पे वाटर पार्क भी बनता है और विंटर सीजन में इसे फ्लावर पार्क बनाया जाता है। बहुत ही सुंदर प्लेस है। यहाँ पे प्री वेडिंग शूट और कोई भी शूट करनी होती है तो उसके लिए भी लोग आते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए भी लोग आए हुए थे। इतनी सुंदर प्लेस है तो बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आती होंगी श्योर। और यहाँ पे अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो हाँ, यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट अंदर ही था और आपको यहाँ की टिकट भी पे करनी पड़ती है। पर पर्सन आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ता है, उसके बाद आप इसमें अंदर चाहे जितने देर तक रह सकते हैं। तो पर पर्सन 400 रुपीज़ आपको पे करके उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री मिलती है। और ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ये। सकते हैं आप यहाँ पे लिखा भी गया है बेबी शॉवर के लिए या फिर प्री वेडिंग शूट, डेस्टिनेशन शूट, कोई भी शूट करना हो लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ प्री वेडिंग वाली शूट करवाते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा घूम चुके हैं, थोड़ी सी थकान लग रही है, तो यहाँ अंदर ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह, चाय पानी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। फूड काउंटर है तो आप यहाँ से कुछ भी थोड़ी देर खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और अपना पूरा दिन यहाँ पे हमने इस तरीके से बिता दिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।